यहाँ हम थोड़ा सा आपके तराजुम के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको कैसे ख्याल आया, तर्जुमा करने का ख्याल आपको कैसे आया। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि बहुत जबरदस्त कहानियां हैं, जर्मन अफसाना निगार हैं, कहानीकार हैं, थॉमस मॉन। उनकी कहानियां इतनी मुश्किल हैं कि खुद अपने लोग भी उनके इतना उनको नहीं टच करते। फरहत ने उन कहानियों को तर्जमा किया और क्या ही खूबसूरत तर्जमा किया। और इसके साथ ही हाँ, इस किताब का नाम है ख्वाबे ज़िमिस्तां। और इसी तरह लोइस लोरी के नॉवल को द गिवर, उसका तर्जमा किया दाहिश के नाम से। तो फरहत, ये तर्जमे का ख्याल कैसे आया आपको? तर्जुमे का ख्याल यूं आया कि कुछ चीज़ें जो ज़्यादा अच्छी थीं, जो दिल को छूती थीं, मेरा लगता था मुझे कि भी हर कोई नहीं पढ़ता इतने मुश्किल मुसन्निफ़ों को, तो उन तक पहुंच जाए, ज़रा आसान लफ्ज़ों में लिख दूं आपने उर्दू जुबान के कारीन तक उसको पहुंचाना पहचानने चाहा, के उस ख्याल लिए। को। हाँ, तो उसमें कुछ जो उसमें क्या आपको कोई मुश्किल पेश आई है? मुश्किल पेश इसलिए लफ्ज़ों ने काफ़ी आगे पहले मेरे आगे हथियार डाल दिया था, चाहे वो किसी भी ज़बान के थे, तो उन्होंने देखा ये जान ही नहीं छोड़ती, नहीं देखती कि मुझे इंग्लिश आती है कि नहीं, नहीं देखती मुझे जर्मन आती है कि नहीं, डिक्शनरियों की लाइनें लगी पड़ी होती है, तो ज़ाहिर है मैं जर्मन नहीं सीख सकती थी इतनी जल्दी, तो फिर इसलिए जो है ना मैं उसके रूह तक पहुँच जाती हूँ लिखने की। यहाँ मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी नाजरीन को कि फरहत हर किस्म की खुद सताइशी से पाक हैं। तो अपनी आला तरीन सलाहियतों को भी इस तरह बयान करती हैं कि वो गोया वो बहुत कोई आम सी बात है। जान ही नहीं छोड़ती, ये बात कहकर इन्होंने हमें बताया कि किसी भी काम की लगन जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचा के दम लेती है। तो ये जब आपने काम किया, आपकी लगन ने आपका साथ दिया। इसके साथ ही मुझे, मैं समझती हूँ कि ये हमारी जुबान जो एक किसी भी, इससे पहले भी, वक्फे से पहले हम उर्दू जुबान के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत दुख होता है नाजरीन इस अमर को देखकर कि दिन ब दिन हम अपनी कौमी जुबान का, और कौमी जुबान हमारा साथ छोड़ती चली जा रही बिल्कुल है। हम अपनी अगली नई नस्ल तक ये सरमाया कैसे पहुंचा पाएंगे जब वो इससे बेगाना हो जाएंगे? उर्दू जुबान पढ़ना आज एक कार्य दारत है। ये कौमी सतह के टीवी चैनल्स पर आप देखिए, नीचे टिगर चल रहे होते हैं गलत इमला के साथ, गलत जुमलों के साथ। तो ये आप कैसे इसके लिए कहेंगे, क्या नसीहत करेंगे आज के तालिबे इल्म को? क्योंकि ये कुछ इसका चेहरा जो है रोमन ने बिगाड़ दिया। मैं कहा करती हूँ कि रस्म खत किसी भी जुबान का चेहरा है, और उर्दू जुबान को रोमन में लिखना यूं है जैसे किसी दोशीजा के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाए। ऐसे ही है। कितना अच्छा जुमला बोला इतना तुमने। खूबसूरत रस्म खत है हमारा। क्या करना चाहिए आज के तालिबे इल्म को? हाँ, मैं सोच के तो आई थी लेकिन अभी कर नहीं सकी। जब वहां थी मुझे ये बात बहुत दुख देती थी। मैं गई पुलिस स्टेशन, मुझे जाना था इंडिया और मैं देर से वो कराया था, तो कहने लगे कहाँ जा रही हो, मुझे फ्रेंड ने पूछा। मैंने कहा पुलिस वालों के से अपना कैरेक्टर पूछने जा रही हूँ, तो वैसे मजाक से कह दिया। वहाँ एक लड़का बैठा था, तो उसने उसको भी कोई काम था भाई, वो जितनी गलत कोई इंग्लिश बोल सकता है ना वो उतनी बोल रहा था। तो मैंने उसका बेटा, मैंने कहा बेटा उसको शायद इंग्लिश ना आती हो, उर्दू बोल दो। तो कहता आई कैंट स्पीक दैट ब्लड लैंग्वेज है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा अल्लाह ताला ने ऐसे ही पैदा कर दिया तुम्हें इस मुल्क में। तो फिर मैंने ये, तो कहने लगी आप क्यों आई हैं, मैंने कहा इसलिए कि मैं इनसे पूछने आई हूँ कि मेरा करेक्टर कैसा है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेना था असल में। जी। उस दिन फिर मुझे बहुत लगा कि मैंने सोचा था मैं जब आगे रहूँगी ना तो मैं सारे जो इंग्लिश वाले अदारे हैं ना उनमें हर एक जगह एक एक महीने में एक दफ़ा क्लास दे के, क्योंकि बहुत सारे तो मैं दूंगी और उनको उर्दू की मोहब्बत इनमें मुंतकिल करके छोड़ूंगी। क्या खूबसूरत तो अभी मैं आपका रहने, इरादा और हाँ जज्बा है, हाँ और अभी अल्लाह मैं पाक, रहने नहीं लगी ना, जब जी मैं रहने जी लगी तो आप सुन ही लेंगे इसको पाये तकमील तक जरूर इंशाल्लाह पहुंचाना इंशाल्लाह। आपने कि ये मेरा उर्दू, उर्दू से इश्क है, किसी बेशक पे आसार नहीं है। ये बिल्कुल, ये आपने मुझे भी चुप करवा दिया ये कहकर नहीं कि मतलब ये हम सबका फरीजा अव्वलीन नहीं है, हमारी जुबान हमारी शनाख्त है, इस पे जी फख्र करना सीखना बिल्कुल, चाहिए हमें। अपना लिबास, अपनी जुबान, ये हमारा तशख्खुस है ना। रोजीना। और जी जो बोल रहे होते हैं गलत बोल रहे होते हैं, मोस्टली ज्यादातर गलत बोल रहे होते हैं, यानी तो क्या हम, फायदा। हमें गलत उर्दू बोलने पर फख्र और गलत अंग्रेजी बोलने पे कभी नदामत नहीं होती है। हाँ कभी नहीं होती है, तो बस ये तो यही है ना कि एहसास कमतरी है ना, उसमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी चीज को। अगर देखो मैं, तुम मेरी दोस्त हो,
मैं कहूँगी मैं पाकिस्तानी लोगों को पसंद नहीं करती, लानत है मुझ पे अगर आप अपनी पहचान अपना चेहरा नहीं जानती हैं। ये बात है, और आपका ऐसा है वतन कि आपकी शनाख्त है, आपकी कितनी बिल्कुल वो मुनीर नियाजी के अल्फाज में, कितनी जगहों में घूमा, कैसे मकानों में दिन काटे, तो कहाँ कहाँ घूमी आप, कहाँ कहाँ गई हैं अपनी इस उर्दू और अपने वतन की मोहब्बत को लेकर, इस की नहीं सफीर नहीं बनी आप, लोग कहाँ जो कहाँ। सच हो तो अहमियत देते हैं। मैं मुझे याद आ गया, बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों की मदद किया करती थी कि मैं उर्दू बोलने के लिए, तो वहाँ मैंने एक प्रोग्राम किया था, उनको सालाना प्रोग्राम करते, मैंने कहा एक तुम मेरा भी लोगे। क्या है कि फैज, इसका फैज नहीं था, किसका था सर मुझे याद आ जाएगा, कोई बड़ा शायर था उसका, तो मैंने कहा ऐसा है कि तुम ऐसा करो ट्रांसलेशंस तुम ढूंढो, अब मैं इतना बड़ा नहीं कर सकती, तुम ऐसा करो कि फलां शहर के तुम ढूंढ लो और उर्दू का मैं कर दूंगी उनको। तो उन्होंने ढूंढ दिया, तो मैंने अमेरिकन को साथ शामिल किया, उनके शलवारें कमीजें भी पहनाई, और बहुत सादा था हमारा स्टेज कि बस दो स्पॉटलाइट्स थी, वो पढ़ता था तो उस पर जाती थी, वो पढ़ता था उस पर, वो इंग्लिश में पढ़ता था, वो उर्दू उसका करता था। वाह, तो इन लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था वहाँ उर्दू करने का। सही। तो बीच में वक्फा हुआ ना, मैं बाहर निकली तो मुझे प्रोफेसर कहता है सुना है कि आपके पास भी इंग्लिश का वो है, मतलब पोइट्री है। मैंने कहा आपसे नाराज नहीं हो सकती, दुख ये है कि हमने अपनी चीज को खुद ही रद्द किया हुआ है। सही, तो बिल्कुल, हाँ अपनी शनाख्त जो है वो बिल्कुल खुद हाँ, खो दी है। तो कहने लगी कि मैंने कहा अच्छा ये प्रोग्राम जब हो जाए ना, इसको हम वो भी कर रहे हैं, वो क्या नाम होता है, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो फिर देख लेना भाई। वो इतना पसंद किया गया कि उसको यूएन के कल्चरल प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया। क्या बात है, अमेरिकन जो था वो इंग्लिश में पढ़ता था और जो दूसरा पाकिस्तानी था वो उर्दू में पढ़ता उर्दू में था। पढ़ता था। इतना भी नहीं कर सकते कोई लोग, कितने तो सारा दिन फारिग फिर रहे होते थे, पार्टियां कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसी लगन नहीं ना। लगन नहीं थी। अच्छा, हाँ तो यहाँ बस मुझे आपसे एक और बात भी पूछना है, मुझे मेरे अभी बहुत सारे सवाल हैं आपसे, और मैं जी है कि जी वक्त खत्म ना कहिए हो जाए, कहिए। कि ये जो अदब के समुंदर की एक मौज जिस पर आपकी कहानी का कमल तैरता है, इस कमल को आप अदब के समुंदर में किस मुकाम पर देखती हैं? कैसा खूबसूरत जुमला है, मुझे मजा ले लेना, तो फिर से कहो। मैंने बस ये अर्ज किया कि अदब के समुंदर की, दरअसल मजीद अमजद मुझे याद आ गए थे, अच्छा उन्होंने अबद के समुंदर की एक मौज जिस अच्छा पर मेरी अच्छा जिंदगी का कमल तैरता है, ये हाँ असल उनके अल्फाज हैं, तो कोई मैंने बात कहा नहीं। कि अदब के समुंदर की एक मौज जिस हाँ पे आपकी कहानी का कमल तैरता है, हाँ तो इसको किस मुकाम पे देखती हैं? हमें तो आप एक मायानाज अफसाना निगार हैं, इसको कोई शक नहीं है, तो आपकी जो कहानी है वो दम रखती है, वो जिंदा रहने वाली कहानी है, आपका खुद इस बारे में क्या ख्याल है? देखो ना, मेरी कहानियाँ कोई तसव्वुराती कहानियाँ नहीं होती, तो उन कहानियों में से इंसान यानी इंसानी ज़िंदगी के इनके होते हैं, चाहे कल्चर और भी हो, फिर भी जज्बात इंसानों के एक जैसे होते हैं, तो वो तो सही, दिल को तक पहुँचती हैं। तो मुझे पता है कि हर कोई दूसरी ज़बानें नहीं सीख सकता, तो जितने मैं तर्जुमे कर सकी वो भी मैंने कर दिया, और मैंने हमेशा हर ज़बान सीखने की कोशिश की है। मैंने रशियन ज़बान भी सीखने की कोशिश की थी, उनके अच्छे लगते थे, तो आपने वो फारसी भी सीखी है, इसकी तो हाँ मैं गवाह हूँ, फारसी चश्मदीद। हाँ आपने बड़ी प्यारी बात कही है कि ये दिल से निकलती हैं कहानियां और दिल तक पहुंचती हैं, हाँ ऐसा अज ही दिल है खेजत बबत दिल रेजत, या तो ये कहानियां जो हैं ये अपना मुकाम खुद बनाएंगी और जी बनाती चली जाती हैं। फरहत कहती है कि मैं कहानियां कहती नहीं हूँ, बल्कि शायद कहानियां इनके अंदर से बहती हैं और वो खुद ही जगह बना लेती हैं। आप एक बहुत इंसानियत का सिर्फ नाम लेने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि इंसानियत की दामे दरमे सुखने कदमे खिदमत करने वाले इंसान भी हैं। जो हो सकता ये है। कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताइए। हाँ कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल का है ये, तो बहुत दिलचस्प ये कहानी है। जी, इसका इदारा जो है ये बना, और ये हॉस्पिटल कैसे काम कर रहा है, थोड़ा तारुफ हमारे जी मैं नाजरीन के लिए। बताती हूँ, असल में ये है कि ये तो खैर बहुत बड़ा काम हो गया क्योंकि अल्लाह को मंजूर था, तो जी मुझसे जो छोटा मोटा होता है मैं करती रहती हूँ। तो मैंने एक दो क्लिनिक शहर में जो है वो है ना पसमानदा इलाका ज्यादा, वहां खोले हुए होते हैं।